राम राम जी, राम के नाम में ही एनर्जी है। अरे एनर्जी में रह करो हमेशा, अति हल्के पड़े रहो। देखिए वाह, नया ना धोया ना चल तेरा जबर 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 फेल हो गया मैं तेरा जबर जबर। भाई की है भाई की वीडियो 50,000 तक पर चली गई। टुंग टुंग बजे टुंग टुंग बजे टुंग टुंग। भाई कुल मिलाया के बाबा के दर्शन बहुत अच्छे हो रहे हैं। बहुत हनुमान जी की बहुत बहुत कृपा, बहुत कृपा हनुमान जी। आज बहुत जाएंगे किकुओं से पीठ रहे। आज पहले चलेंगे शिमला जाखू मंदिर, वहाँ दर्शन करके शिमला जाखू मंदिर दर्शन करके फिर वहां चलेंगे कोटद्वार। वहां से बता रहे 350-400 किलोमीटर है। हनुमान जी हिम्मत देंगे और थोड़ी सी हम कोशिश करेंगे और कोशिश करके चलते हैं कोटद्वार। पहले चलते हैं जाखू, अभी हमें पंचकुला। पंचकुला हम रुक गए थे सेक्टर 10 गुजर भवन में। बहुत बढ़िया आनंदित कमरा और बहुत कम दामों में कमरा मिल गया। 800 रुपये में कमरा मिल गया भाई। एसी वेसी सब कुछ लगा हुआ है बिल्कुल बीचों बीच सेक्टर के। नींद अच्छी होगी पूरी। अमृतसर तस्वीरें हम खेच लाए हैं पंचकुला तक। पंचकुला में सोए आनंद बहुत बढ़िया। अब बजने 10 और अब चलते हैं सीधा शिमला। शिमला चलो जाखू मंदिर। जय श्री राम। चाबी ओ प्रधान कहाँ जा रहे हो? आजा शिमला आगे आप लोगों का प्यार, आप लोगों का विश्वास। ये लो और दिखा भी दो। पूरा भारत खुलवा दे लेकिन चार में हरियाणा में ही आते पर्ची नहीं देंगे आप। अभी हिमाचल में एंट्री करी है शिमला वाले रोड पे पंचकुला तक। टोल टैक्स वाला बोलो जी 100 रुपया। मेरे की 100 रुपये का बात के भाई 20-30 रुपये ले रहे। पहले तुम हसन लगाओ। आप पे भी तो महाराज पहले गाड़ी छोटी अब गाड़ी भी तो आप बड़ी लिया है। तरक्की हो रही है हमारे 100 रुपये दे तो। भाई भाई ये सिस्टम रहेगा आगे आगे पाड़ीन में। अब शुरुआत हो चुकी है पाड़ीन की। अब आगे आगे पाड़न पे है जी। अब पाड़न पे फिर टोल रोड प्रॉब्लम हो गया। चलो दिखाते आगे क्या होता हूँ। नया टोल रोड फिर प्रारंभ कर दिया है ना। जेपी का टोल रोड है पूरा का पूरा शिमला तक। जेपी नया रोड बनाया है। देख हवा देख यहाँ आती हवा चेंज होगी। कौन गर्मी मर रही है। अब देख हवा ठंडी ठंडी हवा ठंडी ठंडी। अब सुन और सुन मजा मजा आ जाएगा। भैया ठंड पड़ रही है लगता है ना लगता चोरी हो गए। मैं तो खुले हम कहूंगा हम तो बहुत सारी जैकेट लाए हैं पर क्या करे। मैं एक चीज से परेशान हूँ। तुम कितने ही बढ़िया जाके खा लो लेकिन जो ड्रामा रहेगा ही सामने खड़ी है पैसा लेने के लिए। अब बाद में यू कह रही है बाहर टैक्स करके बिल करो। एक्चुअली आपको क्या बढ़ाना है क्वांटिटी कम कर रही है भाई ड्रामा में चिन्नी कम दे रही है तो फिर नरेंद्र जी भाई हम खड़े हैं शिमला और आज गाड़ी की धुलाई हो रही है। बहुत दिन से गंदी हो रही थी। आनंद आ रहा है जी भाई। अरे कहीं से गंदी हो रही तो आज इसे फाइनली धुलवा रहे हैं भाई। ग्राफ इसका ध्यान रखते हुए इसलिए प्रेशर हम थोड़ा हल्का लगवा रहे हैं। आनंद आ रहा है। हवा इतनी अच्छी चल रही है भाई बहुत मजा आ रहा है। बहुत
गाड़ी चलाने में मजा आवे कम से कम। अब देख ले तुमने ये चमक रही है ना गाड़ी, फाइनली गाड़ी की मैं चमक मार रहा हनुमान जी की शाइनिंग दे रहा था। हरकरा गुंदा सिंपल पानी है, सुबह गो के शाम गो मार लूंगा जो फिर लाएंगे। भाई पहले बोलना बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, मंदिर पहुंच गए हैं और दिन है आज मंगल। आज तो भीड़ है, रोज बताए राम से चल के राम पे आए। देखना ऊपर ठंडा मौसम हो रखा है, बहुत ज्यादा ठंड लगे। आजा भाई सर्दी का आनंद लेंगे। वाह महाराज जी मजा आ गया, एस्केलेटर लगा रखे क्या प्रभु की लीला। तो भाई अभी हम अपने हैं 23वें हनुमान पीठ पे जो है जाखू जी टेम्पल शिमला। अभी हनुमान जी के दर्शन हुए, बहुत भव्य दर्शन हुए और ये त्रेता युग से यहाँ हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। सबसे ऊंचे पे बोलते हैं वो जाखू जी मंदिर है। आप पहाड़ी चढ़ के भी आ सकते हैं, आप गाड़ी से भी आ सकते हैं, आप रोप वे से भी आ सकते हैं। अब तो इतनी बढ़िया यहाँ सुविधा कर दी है के चलने वाली सीढ़ियां भी लगा दी है, एक्सीलेटर लगा दिए, एक्सीलेटर लगा दिया है। फोन टाइट पकड़ के रखना क्योंकि यहाँ बंदरों से, हाँ फोन का विशेष ध्यान रखना भाई क्योंकि यहाँ जो वानर सेना है वो फोन और चश्मे दोनों लेके चली जाती है। जय श्री राम, आनंद आवा। अब सर्दी घर में ज्यादा लग रही है, मुझे लगना थी क्यों लग रही, यहाँ टेम्परेचर वैसे बहुत कम है भाई। आनंद आवा बहुत बढ़िया, मजा आ गया। आज तो हनुमान जी की कृपा इतनी है, इतनी अपार है प्रभु की कृपा, बहुत अपार है भाई। हनुमान जी की गजब कृपा, गजब। इन्होंने अब तक पूरे भारत घूम लिए, हनुमान जी ने तो घुमाए पूरे भारत। ये मेरे प्रभु, जय मेरे बजरंगबली, ये मेरे महाराज, ये मेरे मालिक। बिल्कुल पहाड़ी नीचे उतर दिया, देखना बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता है नीचे।
बर्फ पड़ जाए ना तो सब रास्ते बंद हो जाए। हाँ बर्फ पड़ जाए तो फिर गाड़ी नीचे तो पूरी बर्फ हो, गाड़ी नीचे रहती है गाड़ी और नीचे रहे नीचे तो पर उस पे वो भी चले रोप वे भी चले, रोप वे से भी आ सके। पीछे एक रेस्टोरेंट है, हमने रेस्टोरेंट में पहले जब आए हमने बहुत बढ़िया खाना और कॉफी ऑफिस स्नैक्स लिए, और वहाँ पीछे राजा का महल है, ऊपर जो सारी जमीन है राजा की एक की। अच्छा अच्छा पीछे जमीन है राजा की और प्रॉपर महल बना रखो ऊपर, लोग रुके हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ही महंगा हुआ है रूम वगैरह। कितने का पड़ जाएगा कम से कम अगर पता सर 20,000 रूम है, 15,000 रुपये रूम है, 15,000-20,000 रुपये का। हाँ लेकिन वो भाई महल है ना, आप महल में रह रहे हो ना। अच्छा अच्छा महल है एक राजा का, बहुत बढ़िया बढ़िया। आइयो फाइनली दर्शन बहुत अच्छे हुए, वापस वही आ गए पहुंच के, फिर वहां दर्शन करके फिर तुझे फोन मार दूंगा लगा।